कोरियन वेब सीरीज यार अपने फ्रेश कंटेंट में क्वालिटी से हम ऑडियंस के दिलों में एक अलग ही जगह बना रखी है। अब कोई भी कोरियन सीरीज आए तो एक बार देखेंगे जरूर, क्योंकि भाई एक कोरियन सीरीज ही है जिससे हम ऑडियंस 100% इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं, तो बताइए क्यों ना देखेंगे। और हम ऑडियंस को यही तो चाहिए कि सीरीज के कैरेक्टर से हम अपने आप को रिलेट कर पाए। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही सबसे बेहतरीन 2022 में हिंदी डब्ड हुई टॉप 5 बेस्ट कोरियन सीरीज लाए हैं, जिसे आप कभी भी मिस नहीं कर सकते। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो भाई लोग आप सिर्फ क्वालिटी कंटेंट को मिस कर दीजिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। अगर आपने हमारी कोरियन सीरीज का पॉपुलर वीडियो नहीं देखा तो उसे भी जरूर देखिएगा, लिंक आई बटन और चैनल का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मिस मत करिएगा, क्योंकि इन वीडियो में सिर्फ ओनली बेस्ट कोरियन सीरीज को ही पिक किए हैं। तो चलिए एक बार फिर से बेहतरीन कोरियन सीरीज को एक्सपीरियंस करते हैं। नंबर 5 की सीरीज, अगर आप क्राइम मिस्ट्री सस्पेंस इन्वेस्टिगेशन टाइप सीरीज देखना चाहते हैं जो धीरे धीरे करके आपको अपने अंदर खींचती हुई ले जाए, तो ये सीरीज को आप एक ट्राई दे सकते हैं। 2018 की जिसे हाल ही में हिंदी में डब किया गया मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर के साथ चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड। आप सोचिए आपके पास एक ऐसा सुपर नेचुरल पावर हो जिसे फ्यूचर में होने वाले घटनाएं को आप पहले ही देख सकते हैं, होगा ना खतरनाक। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है नंबर 5 की सीरीज। ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ तो एक बार देखना बनता है। बात करें नेगेटिव पॉइंट की तो इतने अच्छे कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी ऊपर से कोरिया की तरफ से फिर भी उस लेवल की टच नहीं दे पाती। हो सकता है इस सीरीज से हमने कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लिया था। एक ट्राई देकर देखिए, सीरीज हिंदी डबिंग के साथ प्लेफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 4 की कोरियन सीरीज, भाई ऐसी सीरीज हम ऑडियंस को देखना काफी पसंद है जिसमें हमारा हीरो को पूरी तरह से बजी पड़ी है, कोई भी आ रहा है बजा के चल दे रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को कोरिया अपने अंदाज में डायरेक्ट किया है। 2019 की सुपर हिट कोरियन सीरीज जिसे हाल ही में हिंदी में डब किया गया ड्रामा थ्रिलर के साथ सेव मी टू। सीरीज की स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जो अपने पास्ट में हुए इंसिडेंट की वजह से पागल और सनकी बन जाता है, जिसे वहीं दूसरी ओर एक मिस्टीरियस चर्च के नाम पर हो रहे क्राइम को भी रोकना है। लिटरली भाई सच बात बताए तो वो लीड एक्टर की वो आवारापन वाली कैरेक्टर उनकी एटीट्यूड आपको काफी पसंद आएगी। ऊपर से ऐसी कैरेक्टर होने के बावजूद भी लोगों के बारे में सोचना और इसके ट्विस्ट एंड टर्न आपको सीट से हिलने नहीं देती। अगर आप कोरियन ड्रामा सीरीज में कुछ हटकर देखना चाहते हैं तो ये सीरीज को कभी भी मिस मत करिएगा। खुशी की बात है ये सीरीज हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर 3 की सीरीज, यार स्कूल लाइफ पे बेस्ट सीरीज होना तो हम ऑडियंस उसे सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि उसे फील करते हैं। ऐसी सीरीज हमारी इमोशंस होती है बेहिचक सीधा देख डालिए। 2017 की कोरिया की सुपर हिट कोरियन रोमांस ड्रामा के साथ स्कूल 2017। ऐसी सीरीज की स्टोरी क्या बताए भाई, 100% आप इस सीरीज से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि भाई हमारी स्कूल की कल्चर और कोरिया की स्कूल की कल्चर से हम ऑडियंस काफी रिलेट कर पाते हैं। हमको लगता है कि ये कोरिया वालों हम इंडियंस को नजर में रख कर ही सीरीज बनाते हैं, तभी तो हम ऑडियंस 100% सीरीज से कनेक्ट हो पाते हैं। वो लव वाला इमोशन, छोटी छोटी बातों पे रिवेंज वाला एटीट्यूड, वो पहला प्यार, एग्जाम के डर से प्रे करना कि काश आज एग्जाम कैंसिल हो जाए, ये सब छोटी छोटी चीजों भाई सीधा आपके दिल को हिट करेगी। इसमें कोरिया का कोई जवाब नहीं। अगर आप स्कूल में हो या फिर कॉलेज में, हर एक स्टूडेंट के लिए ये सीरीज कोई इमोशन से कम नहीं। ऐसी सीरीज को मिस नहीं किया जाता, एक बार जरूर देखिएगा। नंबर 2 की कोरियन सीरीज, यार सच में कोरिया जिस भी टॉपिक को पकड़ता है उसे इस तरह से हमारे सामने निचोड़ के रखता है कि सीधा उसके कॉन्सेप्ट दिलो दिमाग में जाकर छप जाता है। ऊपर से नेटफ्लिक्स की क्वालिटी हो तो उसका कोई तोड़ नहीं। जी हाँ, बात कर रहे हैं हाल ही में हिंदी में रिलीज किया गया 2022 की लीगल कोरियन ड्रामा के साथ जुवेनियल जस्टिस। सीरीज की स्टोरी चाइल्ड क्राइम कोर्टरूम जस्टिस पे बेस्ड है, और सच में भाई इस तरह से इस सीरीज के डायरेक्टर ने चाइल्ड क्राइम जस्टिस को हमारे सामने इतनी बारीकी से रखा है कि मानना पड़ेगा। हर एक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिए हैं। एक अच्छे वकील को एक बच्चे का फ्यूचर में ध्यान रखते हुए उन्हें क्या सजा देना चाहिए, ये बात आनी चाहिए। ये सीरीज आपको एक्सपीरियंस कराएगी। अगर आपको कोर्टरूम ड्रामा थ्रिलर टाइप सीरीज देखना पसंद है, वो भी कोरिया की अंदाज में, तो इस सीरीज को कभी भी मिस मत करिएगा। सीरीज नेटफ्लिक्स की आउटस्टैंडिंग हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 1 की भाई कोरियन सीरीज के इमोशन ने सीधा हमारे दिल को हिट किया, जब एक औरत इस जालिम दुनिया के लोगों से तंग आकर जीने से अच्छा मरने का फैसला करती है, उसके बाद जो होता है ना वो देखकर मजा ही आ जाता है। 2019 के जिसे हाल ही में हिंदी में डब किया गया सुपर हिट कॉमेडी रोमांस ड्रामा के साथ परफ्यूम।
सीरीज की स्टोरी एक 90 किलो की मोटी भद्दी औरत जो किसी को पसंद नहीं कैसे इस सच्चाई को लेकर इस दुनिया में स्ट्रगल करती है। कहानी का ट्विस्ट तो तब होता है जब एक मिस्टीरियस जादू की वजह से पूरी कहानी पलट जाती है। वो मिस्टीरियस जादू क्या है हम बता नहीं सकते, हो सकता है स्पॉइलर हो। और सबसे बड़ी बात भाई, बीच बीच में वो फ्लैशबैक आपको रियलिटी में इमोशनल हिट करेगी। वो ट्रांसफॉर्मेशन एक मोटी भद्दी औरत से एक मॉडल बनने का जर्नी, इन बीच में वो लव वाला सिचुएशन आप 100% सीरीज से कनेक्ट कर पाएंगे। और खुशी की बात है ये सीरीज हिंदी डबिंग के साथ MX प्लेयर पे अवेलेबल है। ऐसी सीरीज को मिस मत करिएगा, एक बार ट्राई करके देखिए। ऐसे ही सिर्फ क्वालिटी कंटेंट हम ढूंढ के आप तक लाते रहते हैं भाई लोग, लेकिन फिर भी वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। They'll be calling me, calling